शहर में एक बार फिर कर्फ्यू लग चुका है। शहर के सदर बाजार में कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद शहर में एक बार फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, केवल मेडिकल और पेट्रोल पंप की सेवाएं ही जारी हैं। बताया जा रहा है कि जो सदर बाजार में कोरोना पॉजिटिव मिला है वो अपने चाचा के साथ अपनी जांच कराने खुद स्वयमेव गया हुआ था। उसने अपनी कोरोना की जांच कराई और अब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसको सलाह दी गई थी कि वो होम क्वारंटाइन हो, लेकिन होम क्वारंटाइन होने की बजाय वह अपनी दुकान पर बैठकर अपनी दुकान को संचालित कर रहा था और मार्केट में घूमकर अन्य लोगों के संपर्क में भी आया। शहर में जैसे ही मरीज की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई तो तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचा और युवक को दुकान से उठाया। उसे जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया और परिवार के 14 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया। प्रशासन मौके पर पहुंचा और संबंधित एरिया को सैनिटाइज कराया गया और देर रात गुना कलेक्टर द्वारा आगामी आदेश तक नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और प्रशासन का सहयोग करें। आज सुबह हमारी टीम ने शहर का निरीक्षण किया। शहर में पूर्णतः लॉकडाउन जारी है, आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। शहर में अभी कोरोना संक्रमण एक शख्स की रिपोर्ट आई है और उसमें आपसे कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत शहर में वो संक्रमण नहीं फैले, इस लिहाज से आज नगर पालिका क्षेत्र में 144 के तहत कर्फ्यू आदेश जारी किया है और उसी में आज दुकानें वगैरह बंद की कराई गई है और लोगों को घरों में रहने की समझाई की जा रही है। अभी जो शहर में एक पॉजिटिव केस मिला है तो उसके लिए एहतियात के तौर पे अभी शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। सभी लोग कर्फ्यू का पालन करें, अपने अपने घर पे रहें। अभी जो पॉजिटिव केस मिला है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जो जो भी इसके संपर्क में आएगा उसको क्वारंटाइन करेंगे और जो भी आवश्यक मेडिकल कार्रवाई है वो उसमें की जाएगी। और जो ये व्यक्ति आया है उसको कहाँ से पॉजिटिव आया है, कहाँ पर किसके किस संपर्क में आया, इसके बारे में पतासाजी कर रहे हैं। पूरी पुलिस की टीम, स्वास्थ्य, नगर पालिका, प्रशासन सभी लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। पूरे अभी शहर में नगर पालिका क्षेत्र में जो कर्फ्यू लगाया गया है तो लोग उसका पालन करें, यदि उसका उल्लंघन करेंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अभी चूँकि केस मिला है तो अभी घर पर रहें और घर पर ही रहें ओके तो सुरक्षित रहेंगे। सर, जो मरीज मिला है उसको होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई थी, इसके बावजूद भी वो अपनी दुकान चला रहा था, सर उससे आगे क्या कार्रवाई की? यदि कोई व्यक्ति क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। दर्शकों, आप सभी से सिटी चैनल गुना निवेदन करता है कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। शहर में पूर्णतः से अब लॉकडाउन कर दिया गया है और लॉकडाउन में कोई भी बाहर न निकले, अन्यथा प्रशासन की तरफ से कार्यवाही की जा सकती है। और इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं था आपके साथ कैलाश कुशवाहा और मेरे साथ सहयोगी थे कैमरामैन जीवन परिहार। धन्यवाद। आज दोपहर 2 बजे देखना न भूलें गुना शहर के लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 4 तक की कहानी सिटी चैनल गुना पर।